हेलो फिजोशी, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजोशी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए जापनीज बीएल ड्रामा माय स्ट्रॉबेरी फिल्म का एपिसोड 7 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रियू जैसे ही हिकारू से कहता है कि जब हिकारू यहाँ है ही तो वो मिनामी को कैसे पसंद कर सकता है, तो एक सेकंड के लिए हिकारू की हार्ट बीट ही रुक जाती है क्योंकि उसकी बातों से उसे लगता है कि शायद रियू उसे पसंद करता है। पर जब उसे पता चलता है कि रियू बस मजाक कर रहा है तो उसे चैन की सांस आती है। उसके बाद दोनों घर जाते हैं। हिकारू उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन वो रियू से पहली बार मिला था। जैसे ही कारू क्लास में एंटर करता है उसे हमेशा की तरह रियू अपनी ही धुन में खोए हुए मिलता है। पता नहीं क्यों पर रियू जब से इस स्कूल में आया होता है तब से हिकारू की दिलचस्पी उसमें बढ़ जाती है। इसलिए आज रियू से बात करने के लिए हिकारू जानबूझकर उसके बेंच से टकराता है और हिम्मत करके उससे बातें करने लगता है। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन रियू और हिकारू झूले पर बैठे होते हैं। हिकारू यूं ही रियू से शिकायत करता है कि उसे मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, इसलिए उसने अब हार मान लिया है। अपनी शिकायत करते करते हिकारू एक कैन फेंकता है जो पोल से टकराकर आवाज करती है। रियू को वो आवाज बहुत पसंद आती है इसलिए वो हिकारू को फिर से कैन फेंकने के लिए कहता है और उससे निकलने वाली आवाज वो अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लेता है। साथ ही साथ रियू झूला झूलने वाली आवाज को भी रिकॉर्ड करता और दोनों आवाज को एक साथ मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सी धुन बनाता है। हिकारू को अब पता चलता है कि रियू को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। वो हिकारू की तरह नहीं है जो जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाता है। रियू को देखा देखी हिकारू खुद की एक डांस वीडियो बनाने की कोशिश करता है पर उसमें उसे उतना मजा नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि रियू सीढ़ियों पर बैठा हुआ होता है। हिकारू उसके लिए ब्रेड लेकर आता है और दोनों खाना शुरू कर देते हैं। हिकारू को लगता है कि वो जब भी रियू के साथ रहता है तो वो अपना अपना सब फील करता है। यही कारण है कि उसने अपना ध्यान कहीं और या यू कह लूं किसी और पर लगा लिया होता है। पर उनके बीच भी बात नहीं बनती है। हिकारू को हमेशा से लगता था कि जब रियू उसके साथ रहेगा तो सब कुछ ठीक होगा। आगे हम देखते हैं कि ताकाशाकी सर पढ़ाकर क्लास से बाहर जाते हैं। मिनामी दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे जाती है। इधर क्लास में चीका नोटिस करती है कि हिकारू बहुत चुप चुप सा है। रियू हिकारू से पूछता है कि वो ठीक तो है। हिकारू झूठ बोलता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है। रियू उसे डॉक्टर के पास चलने को कहता है पर हिकारू इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसलिए रियू उसे रेस्ट करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिनामी ताकाशाकी सर को रुक कर पूछती है कि क्या वो इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। ताकाशाकी सर ये सवाल सुनकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ रियू अकेले टेरेस पर बैठा हुआ होता है। चीका उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसके और हिकारू के बीच कुछ हुआ है। रियू कहता तो है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ है पर चीका समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। रियू को समझ नहीं आता है कि उसे ये बात चीका से कहनी चाहिए कि नहीं कि हिकारू ने मिनामी को कन्फेस किया, पर उससे पहले ही चीका मजाक में यही गेस कर लेती है। रियू का एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ आता है कि हिकारू ने सच में मिनामी को कन्फेस किया है। चीका रियू से पूछती है कि क्या वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रियू ना कहता है। रियू फिर से अपने फ़ोन से गाने सुनने लगता है क्योंकि ये गाना उस जगह के माहौल को बिल्कुल शूट कर रहा होता है। रियू अचानक से चीका से कहता है कि क्या उन्हें एक दूसरे को डेट करके देखना चाहिए, शायद वो चीका को पसंद करने लगे। चीका ये सुनकर बहुत सरप्राइज होती है। उसे कुछ समय के लिए तो समझ ही नहीं आता है कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करें। वो खुश तो होती है पर उसे पता है कि ये होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रियू उसे पसंद कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने हमेशा से रियू को हिकारू को ही पसंद करते हुए देखा है। ये बोलते बोलते चीका रो पड़ती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। रियू भी थोड़ी देर के बाद नीचे आता है जहाँ कॉरिडोर में उसे मिनामी मिल जाती है। मिनामी रियू से चीका के बारे में पूछती है क्योंकि वो बहुत देर से चीका को ढूंढ रही पर चीका उसे कहीं नहीं मिल रही होती है।
रियो मिनामी से सॉरी बोलते हैं क्योंकि उसने चीका से बहुत गलत बात कह दी है। ये सुनकर मिनामी घबरा जाती है और वो तुरंत चीका को ढूंढने जाती है जो उसे एक बेंच पर बैठी हुई मिलती है। मिनामी चुपचाप चीका के बगल में जाकर बैठ जाती है और उसके साथ मिलकर वीडियो वाली लड़की को ढूंढने के लिए थैंक यू बोलती है क्योंकि उसे इस चीज में बहुत मजा आया। मिनामी विश करती है कि काश वो लोग हर दिन इसी तरह मस्ती कर पाते। चीका मिनामी से कहती है कि अभी उसने बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत की है। रियू ने उन्हें कन्फेश किया फिर भी उसने उसे मना कर दिया। भले ही उसका ये करने का मन नहीं था, शायद उसे रियू को डेट करने के लिए मान जाना चाहिए था। जिस पर मिनामी कहती है कि उसका ये करना गलत होता, बाद में वो खुद पछताती। चीका का मन होता है कि काश वो इस समय को फिर से पीछे कर पाती जब उन लोगों ने उस वीडियो को ढूंढा ही नहीं था। जब से उन्हें वो वीडियो मिली है तब से सब कुछ बदल गया सा है। हो सकता था कि आज चीज़ें कुछ अलग होती अगर उन्हें वो वीडियो ना मिली होती तो। ये सुनकर मिनामी चीका से सॉरी बोलती है। चीका को लगता है कि शायद मिनामी उसकी बातें अपने ऊपर ले रही है, इसलिए वो जल्दी से उसे कन्फर्म करती है कि वो उसके बारे में नहीं बोल रही थी क्योंकि वीडियो में जो लड़की है और वो दोनों एक नहीं हैं। पर मिनामी उसकी बातों को बीच में काट कर कहती है कि वो समझती है पर उसे बहुत अकेला फील हो रहा। इतना कहकर मिनामी उठकर वहाँ से चली जाती है। आज चारों ही अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं। हिकारू अकेले क्लास में बैठा होता है, रियू छत पर, चीका बेंच पर और मिनामी कॉरिडोर में अकेले खड़ी रहती है। तभी मिनामी अपने फ़ोन पर वो अकाउंट देखती है जिसमें उस लड़की की एक नई वीडियो पोस्ट हुई होती है। वीडियो के कैप्शन के जरिए सभी को 7 बजे वेयर हाउस यानी कि स्टोर रूम आने को बोला होता है। सभी लोग ये कैप्शन पढ़ लेते हैं। शाम होते ही रियू वेयर हाउस पहुंचता है जहां वो देखता है कि हिकारू पहले से ही वहां मौजूद है। रियू समझ जाता है कि उसकी तरह हिकारू ने भी वो पोस्ट देखा है। वो हिकारू से चीका और मिनामी के बारे में पूछता है। उन्हें अभी तक यहाँ नहीं देखकर उन दोनों को शक होता है कि शायद मिनामी और चीका ने अभी तक वो पोस्ट नहीं देखा होगा। तभी चीका भी वहाँ पहुँच जाती है, उसके पीछे पीछे मिनामी भी वहाँ आती है। चारों लोग आपस में उस पोस्ट के बारे में बात करने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि वो पोस्ट किसके बारे में है। तभी वहाँ माचुका मैम आ जाती है और सभी से पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। माचुका मैम को देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो लोग बिना परमिशन के वेयर हाउस का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही साथ चीका के अंदर ये भी सवाल उठने लगते हैं कि क्या वो अकाउंट माचुका मैम यूज कर रही थी। माचुका मैम से इस बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि माचुका मैम भी वही अकाउंट देकर यहाँ आई है। उल्टा उन्हें लग रहा होता है कि ये सब उन लोगों का ही करा धरा है, वो लोग ही ऐसा प्रैंक कर रहे हैं। हिकारू जल्दी से उन्हें बताता है कि वो लोग भी पोस्ट देखकर ही यहाँ आए हैं। माचुका मैम उनसे पूछती है कि वो लोग किसके परमिशन से वेयर हाउस का यूज कर रहे थे। सभी उनसे माफ़ी मांगते हैं। माचुका मैम फिलहाल के लिए उन्हें घर जाने को बोलती है और स्कूल के बाद यहाँ आकर यहाँ की सफाई करने को कहती है। मिनामी माचुका मैम से एक आखिरी बार फिर से वो वीडियो देखने की रिक्वेस्ट करती है। मिनामी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा करती है कि वो वीडियो उसी की है, उस वीडियो में जो लड़की है वो वही है। ये सुनकर सभी को बहुत जोर का झटका लगता है और इस तरह ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो बहुत जल्द मिलूंगी मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये ड्रामा अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।